कैपिटल बस्टिंग में, कैपिटल बस्टिंग पढ़ रहे थे एक्चुअली। हाँ, एफएम का सबसे मुश्किल टॉपिक माना जाता है। तो कैपिटल बजटिंग में हम लोगों ने मेथड्स पढ़ रहे थे। टोटल मिलाकर कितना मेथड्स है? छः। एक था हमारा पे बैक पीरियड, एआरआर। इधर डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड था, एनपीवी था, पीआई था, पीआई। सर बाकी लोगों क्या बोले, कुछ बोलने की जरूरत है, आराम से सुनोगे सारी चीज समझ। अब एक चीज और पढ़ाने का रह गया है, वो है आईआरएस। अच्छा, आईआरआर पढ़ाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो अभी तक आपको बुक नहीं मिली है, एक्चुअली बुक के पीछे ना जैसे ये बुक्स है, आपको जो बुक्स मिलेगी तो बुक्स के पीछे ये टेबल दिया रहेगा, ठीक है? ये सारे टेबल है, ये टेबल मैं आपको करवा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ये टेबल क्या है एक्चुअल में, ठीक है? पर एग्जाम में हमको टेबल वगैरह नहीं आता। सीएमए वाला का भी बच्चा है तो उनको टेबल आता, हम लोगों को नहीं आता। तो हम बिना टेबल के सारी बात करेंगे, मैं टेबल के थ्रू भी समझा दूंगा, पर बिना टेबल के लिखोगे सबसे पहले आईआरएस, मतलब लास्ट सब कितना पेजेस छोड़ना है। तो अभी तो आप रफ कॉपी लाए होंगे तो रफ में लिख लेना, ठीक है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये हमारा लास्ट एक्स। बैंक, ठीक है, और यहां पैसा लगा रहे हो, बस आराम से जवाब देना, आपको ऑटोमेटिक बात समझ में आ जाएगी। आपने बैंक से उठाया 10 लाख रुपए, ठीक? जो 10 लाख रुपए उठाया उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? कैपिटल। तो बैंक वाला कुछ ना कुछ तो लेगा यार, बैंक वाला क्या लेता है? इंटरेस्ट। लेकिन हम उसको इंटरेस्ट ना बोल के क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। इट मींस जो कैपिटल उठाया है उसका आपको 10% पर एनम देना पड़ेगा। ये ड्राइंग बनाने के लिए मैं पक्का टाइम दूंगा, पक्का टाइम दूंगा। अब बनाना ही पड़ेगा, और ऑप्शन नहीं है, तभी समझ पाए। तो साहब आपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, कितना रुपए लगाया? पूरा 10 लाख। और इस पे जो कमाई हो रही है वो हो रही है 12% की हर साल। पर एनम लिख दो, इसको भी पर एनम। तो समझ के जवाब देना सीए की तरह। पैसा उठा रहे हो कितने परसेंट पे, कमाओगे कितना? प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना? प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिजनेस 10% पे पैसा उठा रहा, अपना पैसा कुछ नहीं लग रहा है आपको, हर साल जिससे पैसा ले रहे हैं उससे 10% देना है, और उस पैसे को यूज करके 12% कमा रहे हैं, क्या करे? करे कि नहीं करे? कर लेना चाहिए। इस 12% का नाम बताओ अच्छा सा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हमारे एफएम में इसको नाम देंगे यही आईआरआर। तो आईआरआर में प्रोजेक्ट कब एक्सेप्ट करोगे? आईआरआर मेथड में जब IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का और एक नाम बताया था मैंने, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। डिस्काउंटिंग रेट भी ठीक, रिक्वायर्ड रेट ऑफ, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हिंदी मतलब कितना चाहिए, दस परसेंट कमा रहा है, 12 नहीं 10 पड़ा। पैसा जो उठाया है
कम से कम हमें कितना परसेंट चाहिए प्रोजेक्ट में लगाने से? 10 आ कितना रहा है? नहीं, 12 को काट दिया, 10 करना है कि नहीं करना है? लो ना यार, आप दुखी मत हो, अब बताओ, अब बताओ, अब नहीं करना चाहिए? कहां फंसे, कहां हो 10 में? एक्चुअल में जो हम बैंक से पैसा उठा रहे हैं ना 10%, एक्चुअल में हम 10% से डिस्काउंटिंग नहीं करते, थोड़ा सा ज्यादा। हमें चाहिए 11, हमें चाहिए 11 और मिल भी रहा है 11। बोलो करना चाहिए कि नहीं? कर लेना चाहिए। एक्चुअली यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ा नहीं है ना आपने, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, पर अभी इतना बात समझ में आ रहा। सर IRR का मतलब क्या होगा? IRR से डिसीजन कैसे लोगे? अगर सर IRR ज्यादा है, यहां तक बात, ज्यादा है, किससे ज्यादा है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो हमको प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए। That's it. अच्छा, मैं कहता हूं यार एक प्रोजेक्ट नहीं, मेरे पास और भी प्रोजेक्ट है, और एक प्रोजेक्ट है। इससे कितने परसेंट की कमाई हो रही थी? 12% प्रोजेक्ट ए, और प्रोजेक्ट बी से हो रही थी 14% की कमाई होने वाली है। और अब मुझे डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा करूं। हाँ, सेम अमाउंट, हम तो रिटर्न परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बताओ कौन सा करना चाहिए? बी, हायर इज बेटर। तो पहली बात, अगर सिंगल प्रोजेक्ट है तो डिसीजन कैसे लोगे? IRR ज्यादा होना चाहिए, किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर दो प्रोजेक्ट है और पूछेगा कि कौन सा करे, मैं हायर, सिंपल। तो IRR एक्चुअल में क्या है? IRR एक ऐसा रेट है जो हम कमाते हैं, कब तक, किससे कमा रहे हैं? प्रोजेक्ट से, टिल में, कितना हम, टिल मैच्योरिटी, टिल द एंड ऑफ प्रोजेक्ट, हम कितना परसेंटेज कमा रहे हैं? हमें ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, निकालना क्या पड़ेगा? ये निकालना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक, लिखे, एक बार लिख लेते हैं, फिर इसी को मैं ड्रॉ कर दूंगा फिर से। ठीक, काश सिर्फ मैं आपको पढ़ा रहा होता ना तो पक्का कर देता। पॉइंट नंबर 1, मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। IRR is a rate of return from project till the end of life. प्रोजेक्ट की लाइफ, प्रोजेक्ट की लाइफ हो गई यार, क्या हर बात लफ्जों में कहना जरूरी है? एंड ऑफ लाइफ का मतलब कुछ और ही समझ लिए। आगे लिखो, सेकंड डिसीजन क्राइटेरिया, डिसीजन कैसे लोगे? अगर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है और ये डिसाइड करना है कि प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना है, तो IRR शुड बी हायर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर दो प्रोजेक्ट है और दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना, तो IRR शुड बी हायर। तीसरा पार्ट आएगा कैलकुलेशन, थर्ड। मेरे ख्याल से सबसे
मुश्किल टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है? आईआरआर। कैपिटल वेस्टिंग भी तो भी चल जाएगा, आईआरआर नहीं चलेगा। मेरा एक्सपीरियंस है कि कम से कम 70% बच्चे कैपिटल वेस्टिंग में आईआरआर छोड़ के जाते, समझ में नहीं आता। सर हमको तो आ गया, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है अब करने जा। चलो धीरे धीरे बेस बनाऊंगा। कैलकुलेशन में कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाने वाला हूं, ठीक, एग्जांपल से बात करें। चलो जी एग्जांपल, धीरे धीरे करेंगे, आराम से उठाएंगे इस टॉपिक को, क्योंकि ये फाइनल में भी काम आने वाला। मैं किसी बैंक में पैसा जमा कर रहा हूं, ठीक, पैसा आज लगा रहा हूं, तो कैसा उठ लो बोल सकता हूं मैं उसको? कैसा उठ लो? और सर कितना जमा कर रहा है? मान लो 1,00,000 रुपए जमा, रेट कितना? 12% पर एन। 1,00,000 रुपए जमा किया, 12% पर एन। बता सकते हो कि 2 साल बाद बैंक से जब मैं पैसे निकालने जाऊंगा तो कितना पैसा निकलेगा विथ इंटरेस्ट? 1,00,000 रुपया जमा कर रहा हूं, बैंक वाला 12% के हिसाब से देगा, 1 साल 2 साल बाद टोटल मिलाकर कितना मुझे वापस मिलेगा? अब मैं तो जानता भी नहीं कि क्या प्रश्न है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा जवाब चाहिए। 1,00,000 भाई कैसे निकाला? 1,00,000 रुपए जमा कर रहे हैं, 12% ब्याज मिलेगा, मतलब 12,000, तो 2 साल बाद कितना मिलेगा? 24,000। नहीं मैंने कहा बोला, मैंने कहा ऐसा लोग बोल सकते हैं, मैंने ये बोला। कितना रुपया जमा कर रहा है? 1,00,000। 1 साल में कितना हो गया ये? 12,000 इंटरेस्ट मिला, टोटल यहाँ कितना हो गया? 1,00,000। अब ये 12,000 में घर नहीं ले जा रहा हूं, ये बैंक में ही जमा रहेगा, तो अब मुझे जो ब्याज मिलेगा वो 1,12 पे मिलेगा, तो फिर इस पे कितना परसेंट मिलेगा? 12%। तो आंसर कितना आएगा? कितना निकाला था यार? 1,25,440। कैसे निकालते हैं हम इसको कैलकुलेटर से? 1,00,000 प्लस 12% प्लस 12%, पर ऐसा चलेगा नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो है नहीं। हम ऐसे निकालते थे, याद करो, हम ऐसे निकालते थे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+i या r टू द पावर n। सर क्या लिख रहे हो? हाँ वही तो है ना यार, 1,01,1 भूल इसलिए गया था, फाउंडेशन को बहुत टाइम हो गया है। नहीं फाउंडेशन में टाइम हो गया तो ये फॉर्मूला याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, टेंशन में। सुनो कल ही पढ़ाया इनको, 1.1 पावर क्या हो जाएगा? 2। 1.12 इंटू इक्वल टू इंटू 1,00,000, तो सर ये आ गया 1,25,440। कुछ नया नहीं था इसमें, ठीक है ये तो आपको आता था। अब मैं पूछने वाला हूँ चैलेंज वाला क्वेश्चन। देखोगे एग्जाम्पल, कैश आउटफ्लो 1,00,000,
आज मैं बैंक में 1,00,000 रुपए जमा कर, सर कितने साल के लिए? दो साल के लिए। और बैंक वाले से पूछा, भैया 2 साल बाद विथ इंटरेस्ट वगैरह कितना दोगे मुझे 2 साल बाद? और उसने कहा हम देंगे 1,25,440। मैंने कहा यार ठीक, रेट ऑफ कितना कमाऊंगा हर साल ये तो बता दो। तो आंसर क्या आएगा? उसी को प्यार से IRR निकालो। हाँ 12% निकालो ना, कैसे निकालते? ठीक है देखता हूँ। आगे 1,00,000 1.12 किए, सुनो देखो फ्यूचर वैल्यू तो हमको मालूम है यार, इसी फॉर्मूले पे जा रहा हूं मैं, ये तो पता है 1,25,440 कितना जमा कर रहा हूं ये भी मालूम है 1,00,000, और 1 का 1 ही है, और आई को आई लिख सकते ये नहीं मालूम हमको, और पावर भी मालूम है 2, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो यार ये डिवाइड हो जाता शायद। मैथ्स कैसा आप लोगों का? मतलब आपके जैसा नहीं है सर, अच्छा है। तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 1,25,440 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1,00,000। तो 1+i = 1.25440 है ना। अब इसको हटाना है इधर से, इधर क्या करूं, स्क्वायर रूट कर दूं? पक्का ना यार, स्क्वायर रूट ऐसे ही करते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी करते 1.2440 पावर 1/2 करते, एक ही बात ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। और जब एक बार आप इसको स्क्वायर रूट करोगे तो आंसर आएगा 1.12, और ये वाला 1 माइनस कर दोगे तो आई आ जाएगा 0.12। इसको प्यार से हम परसेंटेज में 12% लिख सकते, नोट डाउन कर लो, ये काम आने वाला। और ये 12% मालूम है क्या है? IRR, यही तो IRR है, कुछ स्पेशल। हाँ अभी आगे बहुत बड़ा खेल चलना है पूरे 1 घंटे। ठीक है अगला एग्जांपल है, देखोगे एग्जांपल। कैश आउटफ्लो, इसको मैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी बोल सकता हूँ, पैसा कितना लगा रहा है। आज 1,20,000 रुपए लग रहा है, मैंने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, आज 1,20,000 लगाया, और मुझे बीच में 1 साल 2 साल
तीसरे साल, एक साल और दो साल तो पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे भी बिजनेस होते हैं कि सिर्फ शुरू में दो साल तो पैसा नहीं मिलेगा, सीधा लास्ट में मिलेगा। हो सकता है कोई लैंड खरीदा होगा हमारा, उसी का बिजनेस है, सीधा थर्ड ईयर के एंड में बेच देंगे लैंड को। तो हमने कोई लैंड खरीदा 1,20,000 में प्रोजेक्ट में, और मुझे मिला पैसा मिलेगा कैश इनफ्लोस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में पैसा मिलेगा, ये मिलेगा 177,785। रेट मुझे मालूम है बस। तो यार हर साल ऑन एन एवरेज कुछ ना कुछ तो कमाया है, परसेंटेज में बता दो कितना, बस सिंपल। आज पैसा कितना लगा, मान लो बैंक की बात करो ना यार, बैंक में आज कितना जमा कर रहा है 1,20,000। तीसरे साल के एंड में कितना मिलेगा 177,785। तो बताओ हर साल कितना परसेंट, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ये क्वेश्चन करोगे। पिछले क्वेश्चन में आपको आंसर पता था 12%। तो क्या करेगा हम, IRR निकाल रहे, फ्यूचर वैल्यू मालूम है कि हमको। मैं फॉर्मूला लगा के करूं क्या, मजा है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+i^n 1,77,785, 1,20,000, 1+i^3 कितना है यार 3, ये डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं पहले इधर लिख देता हूँ 1+i^3, ये एक भी सीधा डिवाइड हो गया ना, 177,785 डिवाइडेड बाय 1,20,000। डिवाइड करने से कितना आ रहा है 1.4815। कितना 3 ना, और अगर यहाँ 4 होता तो 4×2 मतलब 2 बार स्क्वायर रूट, अगर 4 होता तो कितने बार स्क्वायर रूट करते। अच्छा अभी हम टेंशन नहीं लेते, जब 4 आएगा तब बात करेंगे, या फिर लिख सकते हैं 1.4815/1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ 3 आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है 1/4। तो i=2, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, आंसर आ गया 14। ICAI का मॉड्यूल खोलकर देखोगे, मॉड्यूल खोलोगे आज नहीं तो कल, ऐसे ही लिखा रहेगा। यहां तक, यहां आते तक बच्चों के होश उड़ जाते हैं, भगवान लाया किधर से, वो बताते ही नहीं किधर से लाया। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करके आना, ये कहां से पता लगेगा, साइड वाले से नहीं, ये हमको सीखना है। डर्टी पावर, और डर्टी पावर समझ लेना, ये पावर कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा, गंदा गंदा लग रहा ना, वही वाला पावर। 1/7 हो सकता है, 1/ कुछ भी हो सकता है। डर्टी पावर पहली बार सुन रहे हो ना, सारी दुनिया जानती है ना, आप भी जान लो, सब सीए वाले बच्चे जानते हैं इसको डर्टी पावर होते। इसके लिए लॉग टेबल लगती है, या फिर कैलकुलेटर से जुगाड़ लगाकर हो सकता है, कैलकुलेटर से जुगाड़ लगा के हो सकता है। और कैलकुलेटर से कैसे जुगाड़ करेंगे सुनो,
1.4815, ये तो पता है हमको, स्क्वायर रूट करोगे 12 बार, फाउंडेशन में पढ़ रखा मैं जानता हूं, फिर माइनस वन, नहीं इंटू 1/3, ये पावर 3 है ना यार, या फिर मजा नहीं आ रहा तो डिवाइडेड बाय 3 कर देना, एक ही बात है, इंटू 1/3 क्या है, डिवाइड प्लस 1 इंटू इक्वल टू बार, सर 12 बार क्यों आया, हमेशा एक है ना, ज्यादा दिमाग मत चलाना, जो भी रूट हो 7 हो 9 हो कुछ भी क्यों ना हो, ये 12 फिक्स है, ये माइनस 1 भी फिक्स है, बस 3 की जगह ये पावर यूज करते जाना, 5 हो तो 5 यूज कर लेंगे, ये भी फिक्स है ये भी फिक्स है, तो सर कैलकुलेटर कैसे चलाना, कैलकुलेटर 1.4815 अप्रोक्स वही है, स्क्वायर रूट कितने बार करोगे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कर लिया, फिर माइनस 1, फिर डिवाइडेड बाय 3, फिर प्लस 1, और फिर सुनो सुनो रुक जाना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू ऐसे करके करो, मतलब 1.4। सर इसके अलावा कुछ जुगाड़ और है क्या, है वो भी मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं है, पहले ये नोट कर लो, ये तो भाई सीखना ही पड़ेगा, यहां सीखोगे नहीं तो फाइनल में सीखोगे, सीखना तो है ही, नोट कर लो, इसको बार बार यूज करने वाला हूं मैं, ठीक है, तो इसको कहीं नोट कर लेना कॉपी, इसलिए मैंने कहा था कि IRR जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल, हो गया, जिसको ये पसंद नहीं आ रहा और एक मेथड है, अब ये मेथड भी ठीक से सुनना, ये कौन सा वैल्यू है और ये प्रेजेंट में, अगर फ्यूचर वैल्यू को बस अब जो पहले पढ़ा है ना 2 क्लास में उसकी जरूरत पड़ेगी, फ्यूचर वैल्यू को अगर मैं डिवाइड कर दूं 1+i और ये आगे पावर n, तो ये क्या निकला, अगर मैं फ्यूचर वैल्यू जो है उठाकर यही कर दिया, अल्टीमेटली एक ही बात है कि अलग अलग, एक ही बात है, ये है क्या निकला, फ्यूचर वैल्यू जो फ्यूचर का है उसको डिस्काउंटिंग कर रहा हूं, तो ये निकल क्या रहा है एक्चुअल में प्रेजेंट वैल्यू, तो यहां किस रेट से डिस्काउंटिंग करूं, ये दोनों इक्वल ही तो कर रहा हूं, मैं ये रेट निकालना चाह रहा हूं ना, इंपॉर्टेंट समझना, मैं ये रेट ही तो निकालना चाह रहा हूं, और ऐसा रेट जिसपे ये दोनों इक्वेट हो, तो एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, लिखोगे मेरे साथ, IRR is a discounting rate at which present value of cash inflow is equal to present value of cash outflow, agree,
देखो ना यार, वही तो किया है मैंने, एक भी आउटफ्लो है और ये क्या इनफ्लो, पर मैंने इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो ये तो दोनों इक्वली हो गए। एट विच एनपीवी इज इक्वल टू जीरो। हाँ बोलो। हाँ एनपीवी का फॉर्मूला पता है? डिवाइडेड बाय क्यों? एनपीवी का कोई फॉर्मूला, माइनस करते थे पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। अभी आपको नहीं भी आएगा समझ, अभी ये समझ में आ गया ना, चलेगा सर। ये क्या है एनपीवी, इन दोनों को डिफरेंस निकालते हैं ना, उसका वो डिफरेंस को बोलते हैं एनपीवी। जब ये दोनों बराबर है तो ये तो जीरो आएगा, इसलिए लिखा है आर एट विच एनपीवी इज जीरो। हाँ बोलो। हाँ डिवाइड करोगे तो वह नहीं आएगा। वाह मजा आ गया। तो करना क्या चाहते हो? करना ये चाहता हूँ कि मैं 14% ही निकाल रहा हूँ, पर ये डर्टी पावर आपको मजा नहीं आया तो कोई और दूसरे तरीके से कर। ठीक है अब सुनो, मैं करने क्या जा रहा हूँ। एनपीवी निकालना क्या सभी को आता है? हाँ मेरा एजम्पशन आता है, सुनो आता है। ये पैसा कब जा रहा है? आज। ये पैसा कब आएगा? इसका अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं और उसमें से 120,000 माइनस कर दूं तो वो जो आता है उसका नाम क्या रहता है? एनपीवी। एनपीवी तो रहता ना यार। इसका मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं तो जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। उसमें से माइनस कितना कर दूंगा मैं? 120,000। तो वो जो डिफरेंस आएगा उसका नाम क्या रहेगा? एनपीवी। सपोज लिखना नहीं है, अगर मुझे 12% से डिस्काउंटिंग करना रहता तो मालूम है एनपीवी कैसे निकालते? मैं बता रहा हूं। सबसे पहले कैलकुलेटर में लिखते हैं 177785 डिवाइडेड बाय 1.12। ये कितने साल बाद आने वाला था? 3 साल। तो कितने बार इक्वल टू करोगे? 3 बार। 1, 2, 3 माइनस क्या करोगे? 120,000। तो डिफरेंस जो आया वो आया 6543। इसी का नाम क्या होता है? एनपीवी। इसी को एनपीवी बोलते, कुछ है नहीं। तो अब मैं यहां क्या निकालने की कोशिश करूंगा? एनपीवी। अब मेरे साथ साथ निकालोगे कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। यहां तक लिख लिया है? कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। हाँ ये साथ साथ चल रहा है। और डिस्काउंटिंग रेट कितना? नहीं 12 कहां से आ गया? ओ सॉरी काट दिया। ठीक अब एनपीवी निकालते हैं। किस रेट से डिस्काउंटिंग करेंगे वो नहीं मालूम, पर एनपीवी क्या आना चाहिए? जीरो। ट्रायल एंड एरर, भगवान का नाम लेते हैं और कोशिश करते भगवान एनपीवी जीरो आ जाए। तो एक रेट कोई भी उठा लो मन से। मैं अपना बता दूं, मैं 10% उठा रहा हूं। मैं हमेशा से उठाता हूं। सबसे पहला रेट 10% और प्रार्थना करेंगे कि जीरो आ जाए। सच्चाई है कि नहीं आएगा? ठीक है 14 पे ही आएगा जीरो। तो चलो 10% ट्रायल एंड एरर मेथड। सर वही ज्यादा अच्छा था ना यार, पर क्या। तो सबसे पहले लिखते एज्यूम जिनकी पहली क्लास है ना वो सोचेंगे बाप रे पहले दिन क्या करवा रहे हैं सर। एज्यूम डिस्काउंटिंग रेट 10%। चलो भाई तो हम एनपीवी निकाल रहे हैं। एनपीवी का फॉर्मूला भी लिख देता हूं, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। तो कैश इनफ्लो ये आने वाला है मेरा 177785 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 3।
और माइनस क्या कर देंगे 1 लाख, और मुझे मालूम है एनपीवी 0 आ जाएगा, 1,20,000 आदत हो गई, 1,20,000 नहीं आएगा ना भाई, कैसे आएगा? अच्छा अब वो भी तो मजे ले, मजे लेने का हक रखता है, वो मजे ले रहा है। कितना आ गया? 13572 ठीक है। अब रेट कुछ और लेना पड़ेगा, अब बस सोच समझ के जवाब दें। हाँ, पर उसके लिए और एक बार एनपीवी का रेट 10% से कम लेना है कि 10% से ज्यादा लेना है? हाँ बेटे, एक बात कॉन्सेप्ट की बात समझो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना बढ़ेगा, अब बता मार्केट से उठा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना बढ़ेगा हमारा जो फायदा उतना कम होगा। इंपॉर्टेंट, जैसे ही आप ये रेट बढ़ाओगे एनपीवी क्या आएगा? कम होते जाएगा, ठीक है? यहां तो लॉजिकली है यार, जैसे ही रेट बढ़ेगा ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा तो प्रॉफिट गिरेगा, तो वही काम कर रहा हूं। तो अब रेट क्या लेना पड़ेगा? ज्यादा। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बार बार आप कंफ्यूज मत होना, रेट के बढ़ने से एनपीवी डाउन होता है, ये आपको हमेशा याद रखना, इज इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों की। तो अब रेट हमको कोई दूसरा लेना पड़ेगा, टारगेट क्या है? एनपीवी पॉजिटिव है, हमको जीरो लाना है, तो बड़ा वाला रेट लेना पड़ेगा इससे। सर लिखवा दो ये काम की चीज। रेट ये बढ़ने से एनपीवी डाउन होता। हिंदी कैसी आप लोगों की? आप इसको इंग्लिश में लिख लेना, ठीक? चलो, तो एक चीज तो हमको समझ, तो अब हमको इससे बड़ा वाला रेट लेना। अब दूसरा रेट लेते हैं, फिर एनपीवी में डिस्काउंटिंग रेट इज इक्वल टू, वो तो हमको पता है। मैं सुनो 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 मेरी बात, मैं जो लूंगा आगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में वही चलेगा, हम 5-5 के डिफरेंस में लेंगे। 10 ले लिया ना, अगला वाला 15 लेंगे, ठीक? पहले 15 लेते हैं और फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि एनपीवी 0 आ जाए। ₹1,777,85 / 1.15 पावर क्या हो जाएगा? 3 - 1,20,000 ओहो, 3,3103 ठीक है यार। अब क्या करें? हाँ, हमारा तो एग्जाम 6 घंटे का है। हाँ हाँ हाँ, वही वही, मैं फॉर्मूले पे तो नहीं जाऊंगा क्योंकि फॉर्मूला मुझे पसंद है, लॉजिक से चलेंगे। एक बात तो पक्की है यार कि 10% से ज्यादा है और 15 से कम है, ये तो पक्का हो गया। तो अब चलो कुछ जुगाड़ करते हैं। इंटरपोलेशन बोलते हैं, ये है क्या? कुछ नहीं है, ये बचपन से करते आ रहे हो, कोई फॉर्मूला भूल जाना, ये कुछ फॉर्मूला है, आराम से कर, सुनना मेरी बात, मुझे आपका साथ चाहिए। कि यार 10% जब लिया मैंने, 10% लिया, तो बताओ एनपीवी कितना आया था हमारा? एनपीवी आया था 13573 ठीक है। और जैसे ही हमने रेट बढ़ाया, कितने परसेंट से बढ़ाया? 15% से, तो एनपीवी डाउन हो गया।
और कितना हो गया एनपीवी नेगेटिव में आ गया कितना 3103। तो बात यह है कि जैसे ही हम रेट बढ़ाते हैं कितने परसेंट से 5% से, तो एनपीवी में चेंज हो जाता है। कितना चेंज हो गया, पहले था 13,000, पहले था 13,000, कितना बता रहा है जरा बताओ। ये मान लो जीरो है ना, पहले यहां था एनपीवी 13573, अब तो इस तरफ आ गया 3103। मैंने मेरा ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया सर, ये पहले घट के क्या हो गया जीरो, इतना तो चेंज हुआ ही हुआ और इतना चेंज अलग हो गया, मतलब ये दोनों प्लस होगा कि माइनस, प्लस ठीक है, ये दोनों तो प्लस होगा ठीक है सर। तो बताओ कितना आ रहा है 16586, दोनों जोड़ना ही तो है यार, 13573 प्लस 3103 16676। आपको पता है आप ये बहुत बड़ी चीज सीख कर जाओगी अगर आज की क्लास से जाओगे, बहुत मुश्किल चीज सीख कर जाओगे ठीक है, हम धीरे धीरे कर रहे हैं, बस मुझे आपका साथ चाहिए। हाँ देखो मेरा बस ये है कि यार ये कितने परसेंट से बढ़ा, 5% से, तो एनपीवी पहले था पॉजिटिव अब हो गया नेगेटिव, तो यार वो जो है वो पूरा पॉजिटिव तो खत्म हो गया हाँ, और अलग से और नेगेटिव आ गए ठीक। हाँ यहां तक ठीक है, 5% का चेंज कर रहे तो एनपीवी चेंज हो रहा है, पर सर मुझे एनपीवी कितना चाहिए जरा सोच के बताना, क्या मुझे पॉजिटिव एनपीवी चाहिए, नहीं, नेगेटिव भी चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए जीरो। तो सर जीरो के लिए कितना चेंज करना है, इसको डाउन करना है, पर कितने से डाउन करना, 13573 से डाउन। इट मीन्स मैं कह रहा हूं कि मुझे इतना मत चेंज नहीं करना है, इतना सारा नहीं, सिर्फ यहां से जीरो तक पहुंचाना है, तो मुझे इतना ही डाउन करना पड़ेगा ये एनपीवी। तो 10% तो लगेगा लगेगा। अब इंपॉर्टेंट है यूनिटरी मेथड। सर जैसे हम 5% का चेंज करते हैं, या फिर ऐसे ले लो 16676 रुपए चेंज हो गया, कितने परसेंट के लिए, 5 के लिए, तो बताओ 13573 चेंज करने के लिए कितना परसेंट चाहिए, यूनिटरी मेथड, इतना रुपए चेंज होता है कितने परसेंट पे, 5 पे, तो इसके लिए कितना 4.06। याद है ऐसा कुछ करते थे, ये दोनों परसेंट को मैं अभी हटा देता हूं है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते थे और ये डिवाइड करते थे बचपन, तो 4 कुछ आया, 4 मान लेता हूं 4, तो 4 तो लगेगा लगेगा और एक्स्ट्रा 10 तो वैसे भी लगना है भाई, 10 तो लगना है, और कितना और बढ़ाना पड़ेगा, 4 और बढ़ाना पड़ेगा, 5 नहीं बढ़ाना सिर्फ 4 ही बढ़ाना है, तो बोलो IRR कितना आएगा 14%। स्टडी पावर अच्छा था कि अच्छा, ये अच्छा है सर, ये अच्छा है, गुड ये करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, मैं क्यों मेहनत करवा रहा हूँ, ये करना पड़ेगा अभी भी। सुन लो, लेकिन सुन लो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं करूंगा, यूनिटरी मेथड वेथड नहीं कर रहा, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, IRR कितना लग रहा है यार, 10 तो लगेगा लगेगा, प्लस अगर ये परसेंटेज है तो ऊपर भी मैं क्या लिखता हूँ, परसेंटेज 1 नहीं लिखेंगे यार, वो तो यार पे बैक पीरियड में लिखते, यहां तो 5 है ना, ये वाला 5, ये वाला, और इसके बराबर ये है ठीक है ना, ये 5% पे ये चेंज हो रहा है, तो वहां ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 13573। ऐसा मैंने कहीं करवाया था इस टाइप का, कहां करवाया था, पे बैक पीरियड में मैंने बोला था ये काम आएगा,
ठीक है, 10। देखो यहां अगर परसेंटेज है ना तो यहां भी मुझे परसेंटेज ही लिखना है डिफरेंस वाला, और इसके बराबर ये, तो मुझे इसके लिए कितना आंसर ला लोगे, आंसर आएगा 14. कितना आया था, 0.6%। ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएगा, ये अप्रोक्सीमेट आएगा। आपका आंसर एक्चुअल में कितना है, 14, और इसके हिसाब से ट्रायल एंड एरर से कितना निकल रहा है, 14.06। नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। कहां तक एरर अलाउ है, 0.25% तक। सुनोगे IRR का एक्चुअल रेट क्या है, 14। अगर आपका 14.24 भी आएगा चलेगा, 14.24 भी आएगा ना चलेगा अप्रोक्सीमेशन में, और इधर करो तो 13.76 भी आएगा तो चलेगा, आपको नंबर मिलेगा। ठीक, इसको नोट कर लो फिर बात करें। आप वैसे भी कर सकते हो, मैंने कब मना किया। हाँ आप कर सकते हो ना, मैंने कहा मना किया, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आगे कुछ क्वेश्चंस इससे बनेगी नहीं, डर्टी पावर से ऐसे ही करना पड़े, आपके आप हेल्पलेस रहोगे, आप कर ही नहीं पाओगे। अभी अभी आज ही ऐसी सिचुएशन आएगी, आप कहोगे ठीक है सर वैसे ही करना पड़ेगा। तो 20 लेते यार, 15% लिखने से पहले बच्चे कैलकुलेटर चला सकते हैं, वहां से तो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, हाँ सर, मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, शर्त एक ही, तभी उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। अगर 15 लिया तो भी पॉजिटिव आ गया तो फिर तो 20 लेना पड़ेगा, और कुछ हाँ। दूसरा डिफरेंस किस किस के बीच में लेना, इसके बीच में कि फिर इसके बीच में, याद करो, ऐसा कोई पेबैक में हम फंसे थे, ये और ये डिफरेंस लेना कि ये और ये डिफरेंस लेना, ऊपर वाला नीचे वाला लोगे तो भी क्या आंसर रह जाएगा, आ जाएगा। हाँ पेबैक पीरियड काम आ रहा है। जिनकी पहली क्लास है टेंशन ना ले, ये जो पहले से कर रहे हैं उनको भी मुश्किल लग रहा है, तो वाकई है एक्चुअल में है आईआर, पर ऐसा नहीं है पहली बार में ही मुश्किल होती है। ये ऐसा वाला मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा, मेन डर्टी पावर वाला ही चलाएंगे जहां तक चल सकता है। जब आएगी ना क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल दूंगा, आप खुद ही कहोगे सर ये तो नहीं हो सकता डर्टी पावर से, मतलब फिर हमको वापस ट्रायल एंड एरर करना। नो डाउट इसी के होगी। डर्टी पावर जरूरी नहीं है कि यहां काम आएगा, आगे भी काम आएगा, सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं, और भी जगह है। ठीक है ठीक, सुनो अब मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, जिसकी जो मर्जी, आप आजाद हो, किसी का दिल बहुत बड़ा होगा तो वैसे कर लेना, अब आपकी मर्जी। लिखोगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आराम से कर रहे हैं, ठीक है मैं आपका साथ दूंगा, अगर आपसे नहीं भी होगा तो मैं साथ दूंगा। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, एक लाख 50,000, 1.5 लाख आज लगाया, कैश इनफ्लोस एट द एंड ऑफ 4 years, 4 साल बाद
271596 क्वेश्चन मार्क, जैसे करना है कर सकते हो बिल्कुल आजाद, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से भी कर सकते हो या फिर 10% डिस्काउंटिंग रेट लेके भी कर सकते हो। गलत कर दिए हाँ, बाकी लोग देते चीटिंग वहीं की वहीं। हाँ ये सही है सही है 150,000 प्यार से कर रहा हूँ मैं, 150,000 वन प्लस आई पावर फोर है ना 271596। हाँ मैं जानता हूँ यही करोगे आप, मुझे तो पहले से उम्मीद है पावर फोर तो 271596 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 150,000। तो 1 प्लस आई डिवाइड करने से कितना आ रहा है 1.81064 स्क्वायर रूट, यहाँ क्या लिखूं मतलब एक बार स्क्वायर रूट करना है कि दो बार लिखेंगे 4 ठीक, या फिर इसको और सुनो हद तो तब होती है जब लास्ट बैच के बच्चे सुनो आपका नहीं था सब, अब इन्होंने क्या किया सुनो क्या किया, कैलकुलेटर में लिखा 1.81064 इक्वल टू 12 -1 डिवाइडेड बाय 4 +1 और फिर इक्वल टू 12। और बड़े आश्चर्य के बाद इतना खुश हो गया उनका आंसर 16% आ रहा था, आएगा ही नहीं भाई, पर यार डर्टी पावर क्यों लगेगा जब सिंपल तो दे रखा दो बार स्क्वायर रूट करना -1 तो आ जाएगा 0.16%। क्या दोस्तों के सामने मैं बोलना नहीं चाहता ना, तो आंसर क्या जाएगा 16% तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया क्या फाइनल हुआ कि हमको ट्रायल एंड एरर पे जाना है कि डर्टी पावर क्वेश्चन। अभी तक क्या डर्टी पावर से संभाल लिया था? यस, हालांकि ये फोर्थ ईयर था तो डर्टी पावर भी नहीं लगा, दो बार स्क्वायर रूट से आंसर आ गया। अच्छा अब लिखोगे एग्जाम्पल, अब काम का एग्जाम्पल। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 1,00,000, ₹1,00,000 कब लगाना है? आज किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, एक क्वेश्चन में कौन सी ईयर में आ रहा था सीधा पैसा? चौथे साल में। एक क्वेश्चन में कौन सी ईयर आ रहा था? थर्ड ईयर में। लेकिन तो बेवकूफी है क्योंकि पैसा तो हर साल आता है। हाँ बोलो ना यार। हाँ पैसा यार, बिजनेस में पैसा लगाओगे सीधा लास्ट में आएगा ऐसा थोड़ी ना होता है। वाह सर मजा आएगा, 1, 2, 3, 4 चार साल तक पैसा है सर। कितना आएगा? 35,000, 40,000, 25,000 and 42,000 और मुझे चाहिए आई आर निकालना है। यहां अब आपका खेल खत्म हो चुका है, वो डर्टी पावर नहीं लगने वाला है। पर एक बात मालूम है, अगर इसका मैं प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी निकाल रहा है, एनपीवी तो निकालना आता है, और
इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के अगर हम 1,00,000 रुपए माइनस करें तो जीरो आना चाहिए। डिस्काउंटिंग रेट क्या ले लेंगे? 10%। हाँ, उसके अलावा अब नहीं होने वाला, इसी का इंतजार। हाँ वो भी दूंगा ना, दूंगा, वेट करो वेट करो, सब सारी चीजें आएगी। तो इसके लिए सर आपका एनपीवी आना जरूरी है, पर नहीं भी आता तो चलो जुगाड़ तो लगाते कुछ ना कुछ। हमें क्या निकालना है? INR। यही है बस, इससे मुश्किल नहीं आने वाला, बस यही आए। लेट एज्यूम, नहीं पहले थोड़ा अच्छे से लिखे ना, IRR। मान लो ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया IRR। ऐसे नहीं है कि यार आप सोच रहे हो कि यार इतनी मेहनत हो रही है और क्वेश्चन कितने, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा INR का, 10 नंबर के लिए बनता है। हाँ सिर्फ IRR, सिर्फ IRR, IRR बड़ा होता है। नहीं ना, बस कुछ ये नहीं होगा, बस CFAT निकालना पड़े, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ फिर वो तो यार वो तो करना पड़ेगा, ये सिर्फ IRR आएगा निकालने के लिए, ठीक है। IRR इज अ रेट, एट विच एनपीवी क्या होना चाहिए? जीरो। तो पहला काम है कि हम डिस्काउंटिंग रेट ले ले, एज्यूम करके 10%, स्टार्ट हम 10 से ही करें। और सच्चाई है कि यहां मुझे भी नहीं मालूम कि कितना आने वाला है। 10% एनपीवी निकालते हैं, एनपीवी का फॉर्मूला भी लिख देता हूं, PVCI माइनस PVCO। आश्चर्य की बात है कि जिन्होंने एनपीवी नहीं भी पढ़ा उनको भी फॉर्मूला याद हो गया, PVCI माइनस PVC। हाँ, पहले साल कितना आ रहा है? 35,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 1, क्योंकि तो पहला साल आ रहा है। 40,000 डिवाइडेड बाय 1.10 ये दूसरे साल आ रहा है। 25,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 3 of 42,000 divided by 1.1 power 4। और माइनस क्या करेंगे यार? 1,00,000। एनपीवी पहली बात इसको वापस लिखना है कि यही निपटा देना, यही निपटाएंगे पूरा, है ना। कैसे करते हैं, कैलकुलेटर कैसे चलाते हैं वो मैंने बताया था। 35,000 कैलकुलेटर कैसे चलाओगे याद रखना, डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू एम प्लस 40,000, दो बार इक्वल टू एम प्लस, नए बच्चों के लिए बताना, 25,000 तीन बार इक्वल टू एम प्लस और 42,000 एक दो तीन चार एम प्लस, और फिर क्या दबा देंगे, MRC, और फिर माइनस 1,00,000 कर ही देंगे। तो 35,000 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू एम प्लस, 40,000 दो बार इक्वल टू एम प्लस, 25,000 एक दो तीन एम प्लस, 42,000 एक दो तीन चार एम प्लस, MRC माइनस 1,00,000। तो ये आ गया 12,345। अच्छा आप फैक्टर से कर रहे हैं, ठीक है चल जाएगा। हाँ आप ऐसे भी कर सकते, ठीक है। एनपीवी पॉजिटिव है, यस, तो रेट कौन सा लेना पड़ेगा, बड़ा वाला। कितने पे उठाए? 15 पे।
भगवान से क्या प्रार्थना करें? जीरो नहीं, नेगेटिव आ जाए भगवान तो भी चलेगा, जीरो ना भी लाओ तो भी हम मैनेज कर ले, पर अगर पॉजिटिव आ गया ना तो खतरा है ना। ठीक है तो चलो डिस्काउंटिंग रेट अब ले लेते हैं 15%। और मुझे मालूम है कि नेगेटिव ही आएगा। 1132 हाँ, पर उससे कैसे जुगाड़ लगाओगे? उससे जुगाड़ कैसे लगाओगे? दिक्कत तो हमको तो रेट बढ़ाकर लेना ही पड़ेगा, और कोई शक की बात नहीं। कितना ले? 20 भी लेते सकते हो, पर इसको देखते हुए क्या लग रहा, याद रखना बहुत ज्यादा दूर के रेट नहीं ले सकते, नहीं तो फिर वो एरर ज्यादा आएगा उसमें, बहुत ज्यादा दूर नहीं चलेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं, सुनो कुछ बच्चों का एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है मुझे बच्चों से, किसी ने कहा सर सुनो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बहुत बड़ा वाला ले लो ना सर, दिक्कत क्या, नेगेटिव आएगा आएगा, नहीं ले सकते हो, ज्यादा गैप नहीं चलेगा। अगला कौन सा ले? 18। एक बार 18 से देख लेते हैं, है ना यार, देख लेते कहीं नहीं, 18 तो देख ही सकते हैं। आ गए 18 से आ रहा। आ रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव लिखने से काम नहीं चलेगा, हाँ बताना पड़ेगा 18% का। ठीक, डिस्काउंटिंग रेट 18% से काम कर रहा है। हाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। एक स्टूडेंट लास्ट में रिवीजन के समय आया, बोलता है सर सुनो ना आप जो एग्जांपल एग्जांपल लिखते थे वो मैंने नहीं लिखा, सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखा, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या। चालीस हजार 18 लेना है ना यार, यहाँ गलत लिख दिया था, 18 लेना पड़ेगा, 1.18। पैतीस चालीस 25 और 42। माइनस ए कितना आ रहा? नेगेटिव आ रहा होगा। 47 नेगेटिव, 47 32 चलेगा।
अब यार डिसाइड ये करो 10 और 18 का गैप लेना है कि 15 और 18, और एक्यूरेसी चाहिए ना थोड़ी, तो 15 और 18 बड़ा गैप लोगे तो एरर आएगा, इसलिए 15 वाला मैंने निकाला। मैं भी जानता था कि पॉजिटिव आ रहा है, पर निकल तो अब कर रहे हैं हम इंटरपोलेशन। कितना लिया था 15 है ना, 15% पे एनपीवी आ रहा है 1132 है ना, और कितना परसेंट यार 18% पर एनपीवी आ रहा है 4733 और मुझे एनपीवी क्या चाहिए 0। तो जैसे ही हम 3% से बढ़ाते तो एनपीवी में चेंज आ जाता है 58, कितना डाउन हो जाता है 5865, पर मुझे तो 1132 डाउन करना सिर्फ। तो IRR इज इक्वल टू 15+3 और 3 के लिए है 5865, तो 1132 के लिए कितना, 15.58%। लेकिन माना अगर इसका फॉर्मूले पे जाओगे ना तो हायर वैल्यू डिफरेंस ये वो ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं फॉर्मूले में जाना ही नहीं जा रहा, फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं, एक्चुअली कुछ नहीं है वो, इसका डिफरेंस लेता इसका डिफरेंस लेता इसका डिफरेंस लेता, इसको एक को हायर वैल्यू मिलता एक को लोअर वैल्यू बनता, वो डिफरेंस ही ले रहा और कुछ नहीं। हाँ फॉर्मूला बनाना है बना सकते हो, हम नहीं बनाएंगे, हम सिंपल वे में करेंगे। देखो असल बात ना फॉर्मूला कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है पीएम, अच्छा पीएम तो आजकल चलता नहीं, एसएम में देखोगे अलग फॉर्मूला है, सजेस्टेड में देखोगे अलग फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस ये वाला यहाँ ले लेता कोई ये वाला यहाँ ले लेता, तो इसलिए वो फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड। हाँ जी ऐसे ही दिखाए, हाँ दिखा सकते हो कोई, अच्छा ये वाला इस टाइप का, मतलब टेबल जैसे नहीं बना रहे हो आप, डायरेक्ट लिख रहे हो ऐसा बोल रहे हो, अच्छा तो भी चल जाए, इससे इससे ना समझने में प्रॉब्लम नहीं जाती, इसलिए मैंने ऐसे लिखा हूँ। बहुत बड़ा बहुत मुश्किल टॉपिक पढ़े हो आपने, और मेरे ख्याल से कि अब कोई भी क्वेश्चन हो थोड़ा सा इधर उधर आप IRR तो निकाल ही लोगे, कैसे भी करके जुगाड़ लगाकर IRR निकाल लोगे, मुझे इतना समझ में आया। ये पूरी तरह से नहीं मालूम कि हम कर क्या रहे हैं, जो पहली क्लास जो देख रहे हैं उनको पता नहीं क्या, पर कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे बाकी बाद में सोचा। तो मुझे टोटल मिलाकर 3 एग्जाम्पल करवा, 3 टाइप का मैंने बताया। एक तो पहला ये था यार कि पैसा आज लगा रहा है और सीधा आएगा 4th साल में, ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसे ही होता है कि पैसा आज लगाओगे और 4 साल का प्रोजेक्ट तो हर साल आएगा, ये वाला करवा दिया मैंने हर साल आएगा, ठीक है ये 35। एक और बच्चा है पैसा आज लगाऊंगा हर साल आएगा पर हर साल इक्वल अमाउंट आएगा, वो और ज्यादा ईजी आएगा, करना क्या यही तो काम करना है, पर कर लेते ना हमारी कॉपी नोट्स तैयार हो जाए बस, उसके अलावा नहीं। अगला एग्जाम्पल
1 लाख कैश इनफ्लो को प्यार से CFAT बोलते हैं। सुनो CFAT दिया है सोचो थैंक यू बोलना चाहिए आपको। 1, 2, 3, 4 कुछ कुछ नहीं है कैश फ्लो है कैश फ्लो ठीक कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलना सिर्फ IRR निकालना। अच्छा एक अब सुनो 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 नहीं नहीं मैं यही देने वाला हूँ पर एक एक चीज काम जिन्होंने क्लास कर रहे 2-3 दिनों से एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में NPV आता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपन लोग लेते हैं डिस्काउंटिंग करते तो NPV आता है। अगर NPV पॉजिटिव आ रहा है मान लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है NPV पॉजिटिव आ रहा है हमको IRR निकालना मान लो तो वो 10% से ज्यादा आएगा कि कम है। आराम से बोलूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है 10% और मैंने NPV निकाला उससे NPV पॉजिटिव आया तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिजेक्ट NPV के हिसाब से एक्सेप्ट NPV पॉजिटिव है ना यार। अब क्वेश्चन वाला बोला नहीं नहीं IRR निकालो तो IRR 10% से ज्यादा आएगा कि कम आएगा आराम से सोच। जब 10% मैंने लिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो NPV आ गया मेरा पॉजिटिव और NPV पॉजिटिव है तो क्या हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए यस ये सीखा है हमने। अब वो कहता है कि नहीं नहीं सर आप IRR निकालिए तो सवाल बस सिंपल सा कि IRR 10% से क्योंकि NPV पॉजिटिव है तो 10% से ज्यादा आएगा कि कम आएगा। ज्यादा ही आएगा यार ये वही तो कर रहे हैं NPV पॉजिटिव है तो हम बड़ा वाला रेट लेते हैं और IRR निकाला और IRR आ गया मान लो 12% प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिजेक्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 10 कमा कितना रहे हो एक्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट NPV के हिसाब से क्या आना चाहिए यस IRR के हिसाब से यस। जब जब भी NPV के हिसाब से यस आएगा तो क्या IRR के हिसाब से भी यस ही आएगा। NPV के हिसाब से तो यस तभी आएगा जब पॉजिटिव होगा और IRR हमेशा कब आएगा IRR ज्यादा आएगा कि कम ज्यादा ही आएगा। अगर ये पॉजिटिव है भाई तो IRR 10 से ज्यादा ही आएगा तो क्या दोनों से डिसीजन एक जैसे ही आएगा यस yes, तो इससे भी यस yes। वो अभी कल रिसर्च करेंगे इस मैटर पे ठीक है। बस ये बहुत सर छोड़ो ना ये कहाँ आपने हमको लगा दिए थे अच्छा खासा कैलकुलेशन चल रहा था कॉन्सेप्ट छोड़िए 1 लाख आज लगा रहा है 28 28 28 28 और आपको सिर्फ IRR निकाल और मैं यहाँ आपकी हेल्प नहीं करने IRR एक ऐसा रेट है जिसपे NPV 0 आता है। इतना मैंने आपको बता दिया स्टार्ट कहां से करना 10% वो ज्यादा कंफर्टेबल। अब 10 में आपकी किस्मत खराब है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आ सकता है ना क्यों नहीं आ सकता तो 10 पे तो यार नेगेटिव ऑलरेडी आने लगा तो 5 लेना पड़ेगा तो समझदार हो गया।
अब इतनी भी ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फैक्टर कैसे निकालते वो ये पूछ रहा है। वो हाँ वो फैक्टर आपका मुझे बताओ कि भाई एक काम करते 10% से कितना आ रहा है। अब सीधा एनपीवी लिखने की बात है ना तो मैं भी पीछे क्यों रहूं। एनपीवी कितना आ रहा है 1 1 2 4 4 4 3 कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी सुनो आप कैसे निकाल रहे हो तो मैं भी शॉर्टकट बता देता हूँ मैं कैसे करता मालूम है। कैलकुलेटर 28,000 / 1.10 चार बार इक्वल टू 1 2 3 4 जीटी अगर नहीं होगा तो जीटी प्रेस करो माइनस 1,00,000 1.243 अच्छा आप एम प्लस वाले हाँ एम प्लस में डालो पर जीटी आज नहीं तो कल लगेगा ही आपको ठीक 1 1 2 4 4 आ गया सीधा सा अच्छा नेगेटिव 5% पे भी नेगेटिव आ रहा है कितना 5% पे कितना आ रहा भाई नेगेटिव ये भी नेगेटिव किसी का 0% का तो दिल नहीं है 2% ले दे ठीक किस किस के बीच में करना पड़ेगा 2 और 5 2% पर आ रहा है 6 6 1 6 5% पे आ रहा है -7 1 3 3% तो 6 6 1 6 + 7 1 3 7 3 2 9 और मुझे चाहिए 0 2 + 7 3 नहीं यहाँ क्या जाएगा 3 7 3 2 9 4% हाँ पर ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि आगे कोशिश हाँ ये सारी चीजें गहराई से इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। क्या 6 मेथड्स हमारी हो चुकी है यस सबसे ज्यादा टेंशन था तो इसी में था बाकी अगर देखोगे तो एक पढ़ा था पे बैक पीरियड में क्या होता था यार हम देखते थे पैसा कितने ईयर में रिकवर हो रहा और जिस प्रोजेक्ट से जल्दी पैसा रिकवर होगा वो प्रोजेक्ट अच्छा। फिर पढ़ा था ARR वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करना था पर उन सब कैश फ्लो जो लेते थे उसका हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेते इसलिए हमारा आ गया डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स। उसमें पहला पढ़ा डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड कुछ स्पेशल नहीं था जो पे बैक पीरियड वही था। एनपीवी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनपीवी तो हमने यहाँ भी किया है पीवीसीआई माइनस फिर एक बात किया पीआई और फॉर्मूला क्या था पीवीसीओ
पीआई का फॉर्मूला पीवीसीआई डिवाइडेड बाय पीवीसीओ, ठीक। और फिर क्या करा हमने, आईआरआर। आईआरआर का कैलकुलेशन तो हमको करना है, कर हो गया, इससे ज्यादा कुछ है नहीं है। पर आईआरआर का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यही है कि यार आईआरआर प्रोजेक्ट तभी करेंगे जब आईआरआर ज्यादा होना चाहिए, किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पर अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट को करेंगे जिसका आईआरआर ज्यादा हो, ठीक। तो देखा जाए तो बेसिक्स खत्म, और आपके जितने भी क्वेश्चन है वो बेसिक्स से ही है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बेसिक्स से है, एडवांस रिप्लेसमेंट वगैरह के कम क्वेश्चन है। तो इसके बाद बुक से हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, लेकिन एक दो चीज और है, छोटी छोटी चीज जो मुझको समझाना है। कल मैंने स्टार्ट भी किया था पर आज हमने आईआरआर कर दिया, ठीक है। तो अब लिखो इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू। हर चैप्टर का रिवीजन वीडियो ऐसा है कि यार ऐसा, जैसे कैपिटल वेस्टिंग है 20-25 घंटे का चैप्टर है ये देखा जाए तो, पर 25 घंटे आप एग्जाम के समय दे नहीं पाओगे। देखो यहां पढ़ो नहीं तो फाइनल में पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो है ही आपको, ठीक है। आपको पता है YouTube में जब मेरा एक वीडियो डाला हुआ है एनपीवी का, तो मैं उनको शॉर्टकट समझा रहा हूँ कि एनपीवी ऐसे निकाल सकते थे कि 1,00,000 रुपए है, पहले साल आया इतना, तो 10% के हिसाब से 0.909 ले लिया, 826 ले लिया, ऐसा कुछ बताया। तो इतने सारे डाउट से, सर ये 0.909 आता कहाँ से, और 0.909 क्या है, पता है 10% का फैक्टर। तो फाइनल लेवल पे ऐसा कैसे पूछ सकता कोई कि 0.909 कहाँ से आया है। देखो ये कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वैल्यू, ये काम की चीजें है ना, इस पे भर मेहनत हो जाए तो हमारा कैपिटल इन्वेस्टिंग का बेसिक्स पूरा खत्म हो जाए। हाँ ये अभी बेसिक ही चल रहा है एग्जाम का, ऐसे समझा। जब पैसा लगाते हैं तो उसको बोलते हैं जीरो, जीरो पीरियड, ठीक है। मैंने किसी मशीन में पैसा लगाया, कोई प्रोडक्शन चल रहा, तो मैंने कहा यार चलो प्रोडक्ट बनाता हूँ, लगाया पैसा, और हर साल बेचने से कुछ ना कुछ तो आएगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और 5 साल, ठीक है। अभी बस सुनते जाना, सर यहाँ भी माल बिकेगा, यहाँ भी बिकेगा, वो जो बिक रहा है बिकेगा, हाँ 5 साल तक मैं गुड्स बेचूंगा उससे पैसा कमाऊंगा। तो सर मशीन कितने की खरीदा था, कॉस्ट ऑफ मशीन, मैंने मशीन खरीदा था 1,00,000 रुपए की, सर उसकी लाइफ कितनी थी, 5 साल, यहां तक ठीक है। मैं ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, जरूरत नहीं मुझे ये चाहिए देने। सर सैलवेज वैल्यू कितना था, सैलवेज का मतलब समझ रहे हो, 5 साल बाद कितने की बिकेगी, 40,000, अच्छा 10,000 होगा, कोई रूल्स नहीं है ना, सैलवेज कितना 40 की बिकेगी। और सर डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, ट्वेंटी फाइव परसेंट पर एनम, WDV मेथड। और सर टैक्स का रेट क्या है, 30%। अब हाँ अब सुनो ना यार, इधर का काम कर लिए, CFET निकालना आने लगा हमको, क्या मशीन 5 साल बाद बिकेगी, हाँ कितने की बिकेगी, यार मशीनरी या फिर फिक्स एसेट्स वगैरह को बेचने से भी तो टैक्स लगता है, और उसका टैक्स का नाम होता है कैपिटल गेन टैक्स। तो यहां भी तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, मैं कह रहा हूं इस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर देता हूं, बेच देता हूं, टर्मिनेशन पे मुझे कितना पैसा मिलेगा, मिलेगा 40,000 मिलेगा, हर साल जो माल बेचूंगा उसका पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मशीनरी का भी तो पैसा मिलेगा, उसको क्यों आप इग्नोर कर रहे हो। सवाल है कि 40,000 मिलेगा
उससे कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? बेचने पे तो 40 मिलेगा, पर इनकम टैक्स अगर होगा तो इनकम टैक्स वाला भी तो पैसे ले जाएगा, तो मुझे यहां निकालना पड़ेगा कैपिटल गेन टैक्स। बेचने से जो पैसा मिलेगा कैपिटल गेन टैक्स काट के जो नेट मिलेगा उसको बोला जाता है टर्मिनल वैल्यू। ठीक, तो मुझे निकालना क्या है इसमें? टर्मिनल वैल्यू। पहले ये लिख लीजिए, ये लाइन ना बनाए चल जाएगा, ये एग्जांपल है, मैं ये लिखूंगा। फाइनल में ऐसा चलता है, शेयर मार्केट होता है जो कोर्स है ना आपका, ये फाइनल में पूरा शेयर मार्केट जो मैं पढ़ाता हूँ वो ऐसा बोलते हैं, सौदा उल्टा बदला, सीधा बदला, सौदा काटना, तो ये सब ये लैंग्वेज यूज करना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि मार्केट में वही चलता है एक्चुअली। हालांकि उसका इंग्लिश भी है, पर जब हम ट्रेड करते हैं ना तो यही चलता है यार, सौदा काटो, उल्टा बदला चल रहा है या सीधा बदला चल रहा है, तो ये सब लैंग्वेज यूज होती है, काम आएगा अभी फाइनल में, काम आएगा यहाँ बात करते तो सबसे पहले अब हमें निकालना है टर्मिनल वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल, कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल। बताइए 5 साल बाद मशीन कितने की बिकेगी? 40,000, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये पक्का है कि एस्टिमेशन है, सारा एस्टिमेशन ही है ना यार। सुनो, अभी हमने कोई मशीन खरीदा ही नहीं है, ये तो सब सोच रहा है कि ऐसा हो जाएगा, तो डिसीजन है मेकिंग है पूरा की पूरा। पर यार इस पे थोड़ी ना कैपिटल गेन लगता है, कैपिटल गेन टैक्स लगता है। कैपिटल गेन टैक्स किस पे लगता है? कैपिटल गेन पर लगता है, मतलब इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? WDV, बुक वैल्यू, बुक कॉस्ट, सुनो कॉस्ट ये है माइनस बुक वैल्यू। आगे तो मुझे एक बार बताऊं, जो 1,00,000 की मशीन थी, 25% हर साल डेप्रिसिएशन लगा है, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो यहाँ बुक वैल्यू कितना होगा? 23,700। सब एक्सपर्ट लोग बैठे, निकाला कैसे वैसे? -25 -25 या 0.75 कर, ठीक है एक ही बात। तो बताओ कैपिटल गेन हो गया, ₹16,270 कैपिटल गेन। बेकार का क्वेश्चन बच्चे क्या पूछते हैं, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म? हमको तो 30% से मतलब है। कुछ और बच्चे और भी बोलते, सर इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन इसमें लगता ही नहीं है ना, तो बेकार, तो टैक्स आ जाएगा कैपिटल गेन टैक्स 30%। कितना आया? 4881। तो नेट मुझे कितना मिला टर्मिनल वैल्यू बता सकते हो? नेट कितना मिला? 35,119। नेट कितना मिला? यही समझना था, कल भी हम यही रुके हुए थे। मशीन को बेचने से कितना मिला? 40
40,000 मिला, और जैसे ही बेचा तो एक पर्सन घर आ गया टैक्स वाला, बोला टैक्स तो दो, कितना टैक्स दे दिया इसमें से निकालकर 4881, तो मेरे पास बचा कितना, हाँ इसमें से माइनस करना, इसमें से माइनस मत कर देना। हम क्या निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं कि पैसा, पैसा कितना बचा, इंपॉर्टेंट पैसे की, हमें ये प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं निकालना, इसका क्या करना है टैक्स, इससे हमें मतलब ही नहीं। हमें मतलब है बेचने से मिला 40,000 और टैक्स वाला हमसे ले गया 4881, तो नेट मेरे पास टैक्स देने के बाद बचा कितना, एक्चुअल में ये निकाल, पैसे की बात हो रही, 3511, इसको बोला था टर्मिनल, सिंपल है, सेल्स माइनस टैक्स कर दी, हो जाएगा। चेक करूं एक बार, चलो देख घुमा कर दूंगा, ऐसा है तो फिर पक्का। एक मेथड होता है एसएलएम मेथड, पता है इसे, और SLM मेथड में मशीन की वैल्यू, अच्छा WDV में मशीन की वैल्यू जीरो होती है कि नहीं, पर SLM में इतना तो सर हम बचपन से पढ़े, कॉमन सेंस, एग्जांपल देखो कि कॉस्ट ऑफ मशीन, एक लाख 10,000 सेल्वेस का मतलब कितने में बिकेगा, लाइफ, फसल, डेप्रिसिएशन का मेथड SLM और टैक्स का रेट 30%, और आपको बताना है टर्मिनल वैल्यू, क्वेश्चन सेल्स कंसिडरेशन माइनस बुक वैल्यू, सिंपल है यार, ये तो यार इसमें सोच रही नहीं है, टर्मिनल वैल्यू, ठीक। अब ये मत बोलना SLM मेथड भी हमको नहीं आता है सर, सेल्स कंसिडरेशन, 5 साल बाद मशीन कितने का बिकेगा, अब ये मत बोलना कि बुक वैल्यू निकालना नहीं आता, और बचपन से पढ़ रखा है SLM मेथड में बुक वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो, और निकालना है तो निकाल भी सकते हो, निकाले, निकाल लेते हैं, दिक्कत क्या, आपको पता तो रहना चाहिए यार कैसे आता है। मशीन कितने की है, 1,10,000, हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा, खास बात सुनो बुक वैल्यू कैसे निकलता, पूरे 5 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, बिल्कुल बच्चों वाला काम है जो करवाने वाला हूं, पर सीख लो, बुक वैल्यू ऐसे निकलता, पूरे 5 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है ना उसी का नाम क्या होता है, बुक वैल्यू। चलो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना, डेप्रिसिएशन निकाला होगा ना यार 30,000, दूसरे साल का 20 20 20 और 20, और फाइनल क्या बचेगा आपके पास, जीरो, 1,10,000 में से 20,000 माइनस किया, 20 माइनस किया, 20 माइनस किया, 20 माइनस किया, उसके बाद लास्ट में क्या बचेगा, बस यही तो समझाना चाह रहा हूं, कौन कहता है कि जीरो हो जाती है यार, भाई मैंने यहां परसेंटेज दिया नहीं, मेरा ये कह रहा है यार बुक वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्यों नहीं आएगा यार, सर आप एक बार में नहीं बता सकते थे, क्यों बताऊंगा, 20,000 20,000 20,000, तो यार लास्ट में तो 10,000 बचेगा, हाँ बोलो मतलब, हाँ कुछ गलत नहीं किया मैंने, ठीक किया, वाह सर मजा आ गया, जीरो, अभी भी किसी को डाउट है क्या, 10,000 बचे, हाँ 100,
अगर मैं साथ ना दूं ना तो आपका तो 3000 अभी तक टैक्स भी निकल गए होते। टैक्स जीरो, टैक्स तो जीरो ही आएगा, तो टर्मिनल वैल्यू भी कितना आएगा, जीरो बोल दीजिए इसको भी, दस, ये वन और ये टू, तो वन माइनस टू। मुझे बहुत उम्मीद थी आप लोगों से इस क्वेश्चन। मतलब SLM एक एक लाइन बोलूं, एग्री हो तो फिर ठीक, मतलब SLM मेथड में जो सेलवेज होता है वही बुक वैल्यू होता है, हाँ या नहीं? मैं अभी तक हमको कुछ सीखने को मिला तो सीखने को ये तो नहीं मिला, बचरा बताना, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो जो सेलवेज वैल्यू होता है वही बुक वैल्यू होता है। अच्छा सर सुनो ना, ऐसा कोई स्टेटमेंट हमको करना ही नहीं है, हम लोग यहाँ निकाल लेंगे भाई, निकाल लेंगे ठीक। नहीं अमाउंट में तो होगा, पर अगर यहां मैं परसेंटेज लिख देता हूँ वो वाला करते ना, चलो आप एग्जाम्पल आओ ना, देख ही लेते ना बच्चे, देख ही लेते एग्जाम्पल। कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है ना भाई, मैं तो बोल रहा हूँ कि ठीक है निकाल कर बता दो, 2,20,000 ठीक, लाइफ 5 साल, ये पता तो लगे कि कौन से साल में भी है, लाइफ 5 साल, सलवेज भी चाहिए आपको 20,000, टैक्स का रेट कितना ले ले इस बार 40%, और क्या निकालना है हमको, टर्मिनल नहीं, डेप्रिसिएशन का रेट, डेप्रिसिएशन का रेट। अब एक काम करते टर्मिनल वैल्यू निकालते, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सेल्स कंसिडरेशन, क्योंकि मैं जैसे लिखूंगा आप आंसर निकालोगे, आप लिखोगे नहीं, तो पहले मेरे साथ लिखो पहले मेरे साथ लिखो सेल्स कंसिडरेशन सेल्स कंसिडरेशन मेरा ऐसा है कि बाकी लोग बच्चे लिख रहे हैं, आप कुछ बच्चे नहीं लिख रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सब साथ में चलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, माइनस क्या निकालोगे, बुक वैल्यू, और अब मुझे देना पड़ेगा 20% पर एनम SLM मेथड, हाँ भाई, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा,
20,000 आएगा कि 40? अच्छा 20% है ना डेप्रिसिएशन, किसका निकालोगे? तो 20 का निकालोगे कि 2,00,000 का निकालोगे? अच्छा डेप्रिसिएशन का रेट दिया है तो स्क्रैप माइनस नहीं करते। तो यार ऐसे निकालते 220, मैं प्यार से यहां लिख देता हूं, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है 44,000 और कितने साल तक? 5 साल तक एक जैसा है, तो बुक वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। तो बोलो कैपिटल गेन कितना है? कैपिटल गेन 20,000, टैक्स कितना? 8,000। तो टर्मिनल वैल्यू कितना आएगा? टर्मिनल वैल्यू 20,000 माइनस 8,000, 20,000 माइनस ये 1 और ये 2, तो माइनस 2 हो जाएगा। नहीं यार एक एक्चुअल में होगा क्या, अभी तक ना हमारा CFAT था, आज मशीन खरीदेंगे हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो हर साल का CFAT तो रहेगा ही, साथ में ये भी रहेगा 12,000, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू। इट मीन्स ये पैसा क्या हर साल आएगा कि सीधा पांचवें साल में लास्ट में आएगा? तो इसको भी ऐड करो, हाँ इसका पांचवें साल का फैक्टर रहेगा। हाँ जी वो जो टेबल बना था ना याद है हमको, CFAT लिखते थे 1, 2, 3, 4, 5, लास्ट में आएगा टर्मिनल वैल्यू 50 है, ठीक है वो तो क्वेश्चन के साथ में कवर हो जाए। कैपिटल वेस्टिंग अभी ये हर जगह लगेगा आपको, ये टर्मिनल वैल्यू हर जगह आने वाला, जहां जहां CFAT आएगा वहां वहां टर्मिनल वैल्यू क्या है, ठीक। तो आज की क्लास में ओवर कर रहा हूं, ये मत समझना गलती से कि टर्मिनल वैल्यू अभी पूरी तरह से समझ में आ गया, क्योंकि अभी 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 सुनो बच्चे, ऐसा भी तो हो सकता है कि बुक वैल्यू 30,000 आ जाए। हाँ मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूँ, 10% मतलब आप कहना क्या चाहते हो, पहले आपसे बात करूँ, आप कहना क्या चाहते हो? ऐसे कैसे होता नहीं, हम कभी भी जब लाइफ ही 5 साल है तो डेप्रिसिएशन का जो रेट है इस तरह से कैलकुलेट होता है कि 5 साल में कोशिश रहती है कि लगभग खत्म हो जाए। मतलब आप पहले से डिसाइड कर रहे हैं कि मशीन तो है 10 साल चलेगी पर 5 साल में हम बिजनेस बंद कर देंगे। अच्छा बस ताकि नई वाली मशीन मार्केट में आ गई है तो यार टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो 5 साल बाद हम पुरानी वाली को बेच देंगे और नई वाली खरीद लेंगे, ऐसा कुछ सोच रहे हैं? हाँ ऐसा होने वाला, रिप्लेसमेंट डिसीजन करके एक टॉपिक है, मैं करवाऊंगा। कब? मैं कब मना कर रहा हूँ कि हाँ आएगा ऐसा, सब सिचुएशन। हाँ मेरा क्वेश्चन बस इतना है, आखिरी बात, ये 20,000 है, अगर यहाँ 30,000 होता, मान लो यहाँ 30,000 होता, तो अब क्या कैपिटल गेन होता कि कैपिटल लॉस? कितने का होता? 10,000 का गेन हो रहा था, तो सामने वाला आ रहा था टैक्स वाला पर्सन हमसे टैक्स मांगने, अगर लॉस हो रहा है तो फिर वो आएगा किस लिए? ये कल बात करेंगे, ठीक है कल बात। हाँ जी टैक्स सेविंग ऐसा कुछ होगा, कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी, थैंक यू।